हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन। यदि आपने भी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है और देखना चाहते हैं कि आपका किस स्टेज तक जो यहाँ पे पहुँचा है आपका फॉर्म, और सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर जो है बना भी है या फिर नहीं, ये सारा चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तो चलिए सबसे पहले आपको करनी है अपने क्रोम को ओपन कर लेनी है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे टाइप करनी है GST, सिर्फ यही लिखनी है और कुछ भी नहीं, और गो के ऊपर क्लिक कर देनी है या फिर सर्च कर देनी है। आप देखेंगे आपके सामने जो पहला वाला वेबसाइट दिखाई देगा, आपको इस वेबसाइट के ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। वापस से ऊपर की तरफ आनी है, यहाँ आपको 3 डॉट का लाइन दिखाई देगा, ये वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन ये भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे आपको ये जो सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे दिखाई देता होगा ऑप्शन एक ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। और इसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट का जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इस सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यदि ये आपका SRN है तो आपको ARN पे क्लिक कर लेनी है। और यहाँ पर जब भी आपने जो है अपनी GST नंबर के लिए अप्लाई किया होगा, तो आपके सामने जो है ARN नंबर का मैसेज एक आया होगा आपके मोबाइल फ़ोन पर, तो यहाँ पर आपको टाइप करनी है अपने मैसेज में, या फिर आपने रखा हुआ यदि ARN नंबर तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे ARN और इसके बाद सर्च कर देंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पे GST इंडिया की तरफ से जो ARN नंबर दिखाई दे रहा है, यही है ARN नंबर। दोस्तों थोड़ी सी ब्लर आती होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लर कर दे अब यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका ARN नंबर है यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। तो चलिए मैं अपना ARN नंबर टाइप करता हूँ और इसके बाद आपसे मिलता हूँ। इसके बाद यहाँ जो आपको सर्च का ऑप्शन एक देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसा कि देखेंगे स्टेज वन जो है कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और स्टेज टू भी जो है कंप्लीट हो चुका है, स्कैन रेस्ट हो चुका है, पेंडिंग फॉर क्लारिफिकेशन, तो ये वाला भी पेंडिंग है। स्टेज थ्री और स्टेज फोर जो भी पेंडिंग है, तो स्टेज टू तक जो यहाँ पर मेरी जल्दी काम हो गई थी, लेकिन स्टेज थ्री और फोर में जो टाइम लग रही है। नीचे की तरफ में स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि डेट यहाँ पर कब हुई है, ये सारा चीज देखते हैं। 23 को मैंने अप्लाई किया था, ARN जनरेट हुआ था, और 26 को जो ये चीज हो गया है यहां पे देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी यहां पर देख सकते हैं, इसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं यदि आपने भी GST नंबर के लिए अप्लाई किया है। और आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई पूछना है कुछ भी, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।